गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं दो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, और वो प्रोडक्ट है हमारा रेटिनॉल का अंडर आई क्रीम एंड रेटिनॉल नाइट क्रीम, और ये दोनों प्रोडक्ट है फ्रॉम द ब्रांड पिलग्रिम। सो पिलग्रिम के दो और प्रोडक्ट्स मैंने उसके ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। द रिजल्ट्स वर एक्चुअली अमेजिंग गाइस, सो आई ऑलवेज थॉट कि मुझे और भी प्रोडक्ट्स ट्राई करना है। सो पिलग्रिम के बारे में ऑलरेडी आई एम श्योर दैट बहुत लोग को पता होगा, बट फॉर दोज हु डजंट नो अबाउट पिलग्रिम येट, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट पिलग्रिम गाइस इज अ ग्लोबल ब्रांड, एंड वो बेसिकली एक मिशन में है टू फाइंड आउट ऑल द ब्यूटी सीक्रेट्स अक्रॉस द ग्लोब। और ये जो प्रोडक्ट्स है ये एक्चुअली हम उनके कोरियन रेंज के प्रोडक्ट्स है, और वी ऑल नो दैट कोरियन लोगों की स्किन कितने सॉफ्ट दिखते हैं, राइट, कितना अलग ही शाइन करता है। मुझे तो एक्चुअली में जानने का हमेशा से मन था कि ऐसा क्या वो लोग लगाते हैं जो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है शायद। ये काम हमारे लिए पिलग्रिम कर रहा है। और गाइज ये जो दो प्रोडक्ट है, जो ये नाइट केयर किट है मेरा, इसमें एक बहुत खास चीज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा रेटिनॉल अंडर आई क्रीम, रेटिनॉल नाइट क्रीम। सो रेटिनॉल एक्चुअली होता क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो ये इसी से शुरू कर रही हूँ। तो रेटिनॉल हमारे स्किन के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेटिनॉल को एक्चुअली हम विटामिन ए के नाम से भी जानते हैं, एंड आई एम श्योर सभी को पता होगा कि विटामिन ए हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इट हेल्प्स रिड्यूसिंग रिंकल्स, इट हेल्प्स रिड्यूसिंग डिफाइन लाइन जो हमारे स्किन में आते हैं, एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेसल्स, जिनके कारण हमारा जो स्किन का कलर होता है वो थोड़ा इम्प्रूव होता है। एंड इट ऑल्सो फेड्स पैचेस, कभी कभार हमारे स्किन में थोड़े पैचेस से आ जाते हैं, टू हार्श सनरेज की वजह से भी कभी कभार होता है, तो वो भी रिमूव करता है। एंड अगर आपकी स्किन में थोड़ी इचिनेस है, कभी कभार स्किन में थोड़ी इचिनेस आ जाती है, तो उसको भी वो रिड्यूस करता है। तो आप देख सकते हो कि रेटिनॉल कितना ज़्यादा फायदेमंद है, राइट। सो रेटिनॉल इस पे है जो कि मेजर मेन इंग्रेडिएंट है, तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट आई फील देन। सो पहले चलिए पहले अनबॉक्स करते हैं दोनों को। तो पहले मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ इस नाइट क्रीम से। ओके, सो ये जो पैकेजिंग है गाइज, दिस कम्स इन अ वेरी गुड टॉकिश कलर का एक पैकेजिंग है, और या द बॉक्स इज क्वाइट नाइस एंड बहुत डिफरेंट दिखता है दूसरे और प्रोडक्ट से। सो दैट इज वन थिंग दैट मेक्स इट अट्रैक्टिव। सो वील ओपन दिस एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सी द इनसाइड पार्ट। सो ये है दिस जार ऑफ द नाइट क्रीम, एंड इसके साथ गाइज आपको एक वेरी छोटा सा वुडन स्पैचुला मिलेगा जो आपको आसानी से आप इसको लगा सकते हो अपने स्किन में, अपने फेस पे। सो पहले चलिए इसको ओपन करते हैं। सो वी ओपन दिस एंड यहाँ पे आपको एक लिड मिलेगा फिर से। नाउ वी ओपन दिस ऑल्सो एंड द प्रोडक्ट इज हियर। सो गाइज इसकी फ्रेग्रेंस आई मस्ट से बहुत ही एडिक्टिव फ्रेगरेंस है, एक्चुअली बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस है। और गाइज आई गेस कि इसके सारे प्रोडक्ट के जो फ्रेगरेंसेज है ये एक्चुअली सेम है मुझे लगता है, बिकॉज इसके जो दो प्रोडक्ट्स है मैंने जो पहले खरीदा है उसके भी फ्रेगरेंस एग्जैक्टली सेम था। सो आई गेस दे आर मैनेजिंग स्टैंडर्ड फ्रेगरेंस फॉर ऑल दी प्रोडक्ट्स आई गेस। सो दिस इज दी नाइट क्रीम, एंड इसको कैसे कब अप्लाई करना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बस थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले देख लेते हैं जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा, दिस इज रेटिनॉल अंडर आई क्रीम फ्रॉम द ब्रांड पिलग्रिम। तो इसको ओपन करते हैं फर्स्ट। अगेन गाइस द सेम ऑब्वियसली, एंड इसके साथ भी आपको एक वुडन स्पैचुला मिलेगा वन, एंड अभी इसको हम ओपन करते हैं। बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ किया है तो आई नो कि फ्रेगरेंस इसका भी सेम है। अगेन द सेम प्रोसीजर गाइस, द लिड जिससे बहुत अच्छी महक है गाइस। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट हियर, एंड आपको देखने से लग रहा है राइट, ये बहुत ही बटरी टेक्सचर का है। सो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है इसका टेक्सचर, एंड अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, बिकॉज आप देख सकते हो दैट कितना टेक्सचर स्मूथ दिख ही रहा है। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि लगाने पे या टच करने में आपको कैसा फील होगा। बहुत ही बटरी टेक्सचर है, बहुत इजी टू अप्लाई है, फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस फ्रेगरेंस, बहुत नेचुरल सी एक महक आती है बट अच्छा सेंट है मतलब। नाउ गाइस इसका अगर प्राइस के बारे में बात करूँ मैं, तो ये नाइट क्रीम जो है ये 50 ग्राम का है और इसका प्राइस आपको पड़ेगा 650 रुपीज़। और द सेकेंड प्रोडक्ट विच इज़ द अंडर आई क्रीम, ये है 30 ग्राम का और इसका प्राइस पड़ेगा आपको 450 रुपीज़। बट अगर आप दोनों प्रोडक्ट खरीदते हो एक साथ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोग के लिए, सो वो दोनों आपको 829 रुपीज़ पे मिलेगा। सो मुझे 829 पड़ा, मैंने उसको एज अ कॉम्बो एज अ किट खरीदा है बिकॉज मुझे दोनों चीज़ की ज़रूरत थी वाइल इन माई नाइट रूटीन। सो या सो ये दोनों चीज़ आप खरीद सकते हो 829 रुपीज़ में और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस अगर मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टू शेयर विद यू ऑल एंड उनमें से ये है दैट ये दो प्रोडक्ट्स एंड नॉट ओनली एक्चुअली दीज टू प्रोडक्ट्स ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पिलग्रिम ये सारे FDA अप्रूव्ड है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये क्रूएल्टी फ्री है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड गिव टू आवर सोसाइटी टुडे। सो ये क्रूएल्टी फ्री है एंड इट इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम द 20 टॉक्सिक इंग्रीडियंट्स। अगर आपको वो इंग्रीडियंट्स नहीं पता है तो आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे भी वो लिंक दे रखे एंड यू कैन चेक द लिस्ट आउट देयर एज वेल। सो ये सारी चीज़ों से ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल फ्री है। सो इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग आई फील। नाउ गाइस इसके जो मेजर इंग्रीडियंट्स है वन ऑफ दम इज रेटिनॉल जिसके बारे में मैंने बता दिया है आपको ऑलरेडी। दूसरा गाइज आई से इट्स विटामिन सी। नाउ अगेन विटामिन सी हर स्किन प्रोडक्ट में होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर स्किन। तो विटामिन सी ऑलरेडी इसमें है, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिंकल्स एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फाइन लाइंस जो हमारे स्किन में आते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इस प्रोडक्ट में है और वो है हाइलुरोनिक एसिड। सो ये एसिड इज बेसिकली इट फाइट्स द साइंस ऑफ एजिंग, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वेरी स्मूथनेस टू योर स्किन टेक्सचर और जो आपकी स्किन का जो ये फर्मनेस है उसे भी काफ़ी एनहेंस करता है। तो ये तीनों चीज़ इस प्रोडक्ट में है। सो व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर, मतलब सारी चीज़ें इस पे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब इस पे है। तो इट्स अ ग्रेट वन। नाउ गाइज इसके और बेनिफिट्स है बाय द वे, इसी में ख़त्म नहीं होता है। नाउ दिस इट ट्रीट्स द साइंस ऑफ एजिंग मेजरली। सो अगर आपकी रिंकल्स है या फिर आपके फाइन लाइन्स हो रहे हैं तो ये प्रोडक्ट आप यूज़ करने के बाद यू विल बी एबल टू सी अ वेरी गुड डिफरेंस, इट रियली हेल्प। और साथ ही में अगर आपके स्किन में कुछ स्पॉट्स है तो उसे भी फेड करता है, आपके स्किन को स्मूथ करता है। तो ये सब चीज़ें ये प्रोडक्ट्स कवर कर लेता है। सेकंड बेनिफिट गाइज इट रीडेंसिफाइज योर स्किन। तो जो भी कभी कभार हमारे स्किन में जो ये फाइन वेन्स होते हैं तो उसको अगर मैं ये अप्लाई करूँ काफ़ी अच्छे से तो ये भी रिड्यूस हो सकता है। और तीसरा बेनिफिट है गाइज इट ब्राइटन्स एंड डीप अप योर स्किन स्पेशली लाइक इन दी अंडर आई एरिया। तो आपकी जो अंडर आई है ये काफ़ी नीचे आपका काफ़ी ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगा एंड आपके यहाँ पे आंखों के पास जो भी थोड़े लाइंस आ जाते हैं वो रिड्यूस होगा एंड आपके डार्क सर्कल अगर है तो वो भी बिल्कुल गायब होगा। सो ये सारी चीज़ें इतना कुछ मतलब ये दोनों प्रोडक्ट नाइट केयर किट में ये कवर करता है। नाउ मैं आपको बताती हूँ कि कब और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। सो ये रेकमेंडेड है और मैं भी एक्चुअली इसी को फॉलो कर रही हूँ। आप सोने के 2-3 घंटे पहले आप इसे लगाइए। ना तो पहला क्या लगाना है, द पहला इज दिस नाइट क्रीम। आप लीजिएगा नाइट क्रीम, आपको एकदम पी साइज का आप थोड़ा सा पोर्शन लीजिएगा एंड ऑब्वियसली लगाने से कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले मेक श्योर करिए कि आपका फेस अच्छे से वॉश हो, अच्छे से क्लीन हो। तो आप वो थोड़ा सा जो पी साइज का मैंने बताया उतना पोर्शन लेकर आप अपने फेस पे अपवर्ड स्ट्रोक पे पूरे फेस और नेक पे आप इस तरीके से इसको अप्लाई करिएगा। इसके बाद आपको कुछ वॉश नहीं करना है बिकॉज इट्स अ क्रीम। सो दूसरा चीज़ उसके बाद आप लीजिएगा ये है रेटिनॉल का जो अंडर आई क्रीम है, वो आप बहुत ही थोड़ा पोर्शन आप लीजिएगा एंड उसको लेने के बाद आपके आंखों के नीचे आपको बस डैप करना है। और डैप करने के बाद आप अपने रिंग फिंगर के हेल्प से इसको एंटी क्लॉकवाइज इसको अच्छे से आप कॉन्टोर एरिया में आप इसको अप्लाई करिएगा एंड दैट्स इट। उसके बाद आप आराम से यू कैन गो फॉर अ ब्यूटी स्लीप अहेड एंड यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स वेरी नाइसली। तो आप जितना आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मैं एक्चुअली इसको अभी डेली यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स बीन 4th डे मेरा हो चुका, आज मेरा 5th डे होगा जब मैं इसे अप्लाई करूँगी एंड आई रियली फील सो गुड। उसको लगाने के बाद वो फ्रेगरेंस भी इतना अच्छा होता है एंड सुबह उठ के ना आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको रिजल्ट दिखेगा एंड क्योंकि आज मेरा 4th डे है आई एक्चुअली वॉज वेरी हैप्पी। मेरा स्किन बहुत स्मूथ हो गया है एंड या आई एम लाइकिंग दिस इम्पैक्ट ऑन माई स्किन। बट जितना रिव्यूज़ और जितना मैंने लोगों से सुना है बिफोर आई एक्चुअली बॉट दिस द रिजल्ट्स वर अमेजिंग एंड या आई लव्ड इट। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए एंड दैट इज़ द रीज़न मैं ये रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आई होप दैट यू हैव लाइक्ड माई दिस वीडियो एज वेल एंड इफ येस देन काइंडली प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज एंड या आई कम अप विद अनदर वीडियो और अ व्लॉग और अ रिव्यू वेरी सून। टिल देन टेक केयर गाइज, स्टे सेफ। stay home. Bye.